दोस्तों रिंकू ने दिखाया दम। पहली चुनौती में घमंडी बांग्लादेश हुआ बेदम। टी20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा हाहाकार। 6 गेंद में 6 छक्के ठोक छोड़ा। युवराज से लेकर पोलार्ड जैसे धुरंधरों का तोड़ दिया महारिकॉर्ड। तो आखिर कैसे अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से रिंकू बन गए बांग्लादेश के लिए यमराज? कितनी गेंद में रिंकू ने शतक ठोक कर इतिहास के पन्नों को पलट दिया? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशत गर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, सूर्य और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टी20 सीरीज में लंका को 3-0 से रौंदने में रिंकू सिंह ने तो सबसे बड़ा योगदान निभाया था, यह तो कोई भूल भी नहीं था। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि श्रीलंका के बाद बांग्लादेश के लिए भी रिंकू सिंह सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। जी हाँ, 3 मैचों की टी20 सीरीज का रोमांच बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले जब प्रैक्टिस पहले मुकाबले में चेन्नई के चेबॉक क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और बांग्लादेश की चिर प्रतिद्वंदी टीमें एक जबरदस्त घमासान के लिए तैयार थी, पर किसी ने सोचा भी नहीं था इस मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ। जी हाँ, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त रिंकू सिंह ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर रिंकू की मुरीद हो गई। दोस्तों आपको बता दें, बांग्लादेश के जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए मेहंदी हसन मिराज की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में रिंकू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस टी20 मैच को टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 22 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर एक तरफ केवल रिंकू रिंकू ही सुनाई दे रहा था। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो रिंकू सिंह को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन रिंकू इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब रिंकू का बल्ला गड़ जा तो उनके सामने लंका थर थर कांप उठी, पर रिंकू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। तस्कीन अहमद से लेकर मेहंदी हसन, यहाँ तक कि शाकिब अल हसन, सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए रिंकू सिंह अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका बांग्लादेश के पास आया। शाकिब की गेंद पर रिंकू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर तक हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। रिंकू का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों जले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू सिंह ने गेंदबाज की अगली गेंद पर स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने तस्कीन अहमद के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन रिंकू सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने तस्कीन के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का रिंकू सिंह ने ठोका जिसमें गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 45 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर रिंकू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से रिंकू सिंह ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना सुनहरा अक्षरों में नाम लगभग लिखवा लिया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ रिंकू ने भारत की तरफ से पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के भी बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि रिंकू ने तो पहले टी20 मुकाबले से ठीक पहले बांग्लादेश के खिलाफ इस प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था तो असली मुकाबले में तो वो क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों अब आप रिंकू सिंह की इस धमाकेदार पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।